जय माँ काली। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे महासिद्ध वशीकरण मंत्र चैनल में, जहां पे आपको बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग, उपाय और टोटके दिए जाते हैं। और इन उपाय प्रयोग को करके आप किसी भी व्यक्ति को, जिसे आप बहुत चाहते हैं या फिर जिसे आप दिल से मानते हैं, उसे अपने पास बुला सकते हैं। यह वशीकरण का प्रयोग मित्रों तभी करना चाहिए जब आप सही हो और आपके पास कोई दूसरा उपाय ना हो, अर्थात आपको सिद्ध करने के लिए कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, तभी आप वशीकरण विधि का प्रयोग करिए। क्योंकि इस विधि के प्रयोग से आप दूसरे व्यक्ति के दिलो दिमाग में, मन मस्तिष्क पे आप ही आप हावी हो जाते हैं और वह पूरी तरह से आपके बारे में सोचता है, आपके वश में हो जाता है। तो जी हाँ, जो भी आप उपाय या प्रयोग करें, उसे पूरी तरह से समर्पण होकर और विश्वास के साथ करिए। आप यह मत देखिए कि दुनिया क्या कर रही है और दुनिया क्या बोल रही है। अगर आप ये सोचेंगे कि फला काम से फला नहीं हो रहा है या फिर इस उपाय से काम बढ़ रहा है, उस उपाय से काम बढ़ रहा है, बिल्कुल मत भागिए। आप सिर्फ एक उपाय और एक प्रयोग को कीजिए, महाचमत्कारी परिणाम आपको मिलेगा तभी जब आप पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित होकर इस वशीकरण प्रयोग को करेंगे। तो जी हाँ, आज मैं आपको महाशक्तिशाली मंत्र प्रयोग बताऊंगा। एक टोटका है जिस टोटके को कर देने से आप किसी भी इंसान को अपने प्यार में पागल कर देंगे। स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना है मित्रों। ध्यान से सुनिएगा इन सब चीजों को कि किस प्रकार से यह महाशक्तिशाली प्रयोग संपन्न होगा। सामग्री आपको इसके लिए चाहिए एक नींबू, रोली का सिंदूर, काला कपड़ा। शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद इस विधि को करना है। रोली का सिंदूर उसे बोलते हैं जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, तो आपको वह लेना है। अब इन सब सामग्रियों को लेने के बाद आपको क्या करना है, उसे ध्यान से सुनिए। ध्यान रखिएगा, इस विधि को कर लेने के बाद आप व्यक्ति के दिलो दिमाग में पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। शनिवार को आपको जो नींबू लेंगे, साबुत नींबू, कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। उसके चार टुकड़े करने हैं और चारों टुकड़े में आपको जो काटे हुए टुकड़े हैं उसमें सिंदूर से आपको उस व्यक्ति का नाम लिखना है, अर्थात प्रेमी या फिर प्रेमिका का पूर्ण नाम लिखिएगा। और उसके बाद उसे आपको काले कपड़े में बांध लेना है और बांध कर आपको पीपल पेड़ जहां पे होगा वहां पास जाकर इस नींबू को जो काले कपड़े में बंधा हुआ है उसी के साथ आपको या तो पीपल के जड़ के पास छोड़िए या फिर उसी के पास गड्ढा खोदकर इसे गाड़ दीजिए। दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। बस जब यह विधि करेंगे तब आपको कोई ना देखे और जब आप वापस आए तो खुद पीछे मुड़कर ना देखिए। और जब आप यह विधि करेंगे, अर्थात नींबू को जब पीपल पेड़ के जड़ के पास छोड़ेंगे या फिर खोद कर गाड़ेंगे, उस समय आपको मित्रों मन में सिर्फ उसी व्यक्ति की कल्पना करना है। ध्यान रखिएगा, यही वह समय होता है जब आपके कर्मों से वह व्यक्ति वशीभूत हो जाएगा। उस व्यक्ति की कल्पना करते रहना, उसी के बारे में सोचना है जिसका आपने नाम लिखा है। बस इतना कर दीजिए, बाकी का चमत्कार आपको खुद विधि दिखा देगा। जय मां काली मित्रो।